ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज, सत्य सटीक विश्वसनीय। मेरे को तो मेरी दीदी ने कहा कि तू तो करने लग जा काम, तो वो लेडी ये कह रही है कि मैं तो पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने ये नहीं सोचा कि कैसे पढ़ूंगी, कैसे बनूंगी, कैसे क्या होगा। नमस्कार, आईसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ललित मुकाती आपके साथ। वर्ष 2026 में मनाए जाने वाली शताब्दी समारोह के संबंध में युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में मातृ शक्ति अखंड दीप जन्म शताब्दी श्रद्धा संवर्धन यात्रा के लिए संपूर्ण भारत के गाँव में परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के युग निर्माण आंदोलन के अंतर्गत ग्रामीण विकास और उत्थान के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं को गति दी जा रही है। मध्य प्रदेश में 27 जनवरी 2024 से प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों का आयोजन टोली नायक विमल तेजराज के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। कार्यक्रम 26 फरवरी के तहत इच्छावर तहसील के अंतर्गत आने वाले रामनगर में शंकर मंदिर प्रांगण में किए गए। कार्यक्रम में दीप यज्ञ का संचलन सीहोर शक्तिपीठ से पधारी श्रीमती पारुल गुप्ता द्वारा किया गया। इच्छावर के महेश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन और प्रयासों से कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सका। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओपी सेन, वीपी मल्होत्रा, नाथुराम वर्मा, मांगीलाल हनोतिया, रमेश चंद्रवंशी आदि महानुभवों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, आईसीएन न्यूज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो इंटेलिजेंट थे बहुत, है ना, लेकिन एक क्रांति उनके जीवन में आई। क्या क्रांति आई उनके जीवन में? कि गांधी जी मिल गए उनको। और गांधी जी अगर एक सिंपल एडवोकेट होते तो उनको कोई नहीं जान पाता। और आज गांधी जी का नाम है कि वो देश के लिए कुछ कर गए। और अब भाई अपन देश के लिए क्या करें, गांव के लिए क्या करें, तो अपन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने यहाँ कई बार नालियां होती है, टूट जाती है, तो कुछ युवाओं जो हैं उनकी जिम्मेदारी के साथ अगर एक बड़ा आदमी उनके साथ आ जाए और उनको बोले बेटा ऐसे करो ऐसे करो, और थोड़ा बहुत वो आदमी खुद है जो उनके साथ लगा हुआ है वो भी काम करे, तो कैसे हमारा गांव स्वर्ग ना बन जाए? और कैसे अगर हमने खेती, प्राकृतिक खेती करी, तो कैसे जहर मुक्त नहीं हो जाए? होगी, बिल्कुल होगी। यूरिया डीएपी खा खा के हम बीमार पड़ने लग गए हैं, हम अस्पताल में जाके जाना पड़ता है, इतनी दूर गाड़ी चला के जाते, नहीं तो गांव वाले जाते थे क्या पहले? कोई नहीं जाता था अस्पतालों में, आजकल बेचारे गांव के लोग भी जाने लगे हैं। चलो ये बात तो हुई, तो जिम्मेदारी से। और गांधी जी की क्रांति किसने सुनी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने सुना। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि अगर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना, 5 में से 4। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।